हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेटेस्ट अपडेट। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा ये 2 जून 2023 की विज्ञप्ति है। और ये किस रिलेटेड है? ये विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के लिए विज्ञापन से रिलेटेड है। पूरी न्यूज देखिए आप। विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा जारी विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापन हेतु गेस्ट फैकल्टी के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि 15 जून 2023 है। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है। आगे दोस्तों, विश्वविद्यालय की वेबसाइट से मैंने पूरा फॉर्म जो है अपलोड कर रखा है और उसके बारे में पूरा कॉलमवार बताया आपको कि क्या क्या कॉलम के अंदर क्या क्या डिटेल भरनी है। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा जो विज्ञापन है गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा, ये 2 जून 2023 की अपडेट है। रिक्वायरमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी के लिए ये रिक्वायरमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है। तो इसमें अंडर द विद्या संबल, आप देखिए, अंडर द विद्या संबल योजना ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा जो विद्या संबल योजना स्टार्ट की गई थी सत्र 2021-22 से, तो उस योजना के तहत और यूनिवर्सिटी ने गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये अलग अलग जो पोस्ट है इनके लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, एप्लीकेशन आमंत्रित की गई है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है? पर्सन हैविंग PhD नेट स्लेट एज पर UGC क्वालिफिकेशन इन इन द सब्जेक्ट्स, यानी वह अभ्यर्थी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है जो या तो PhD है या नेट है या स्लेट है या जो वर्तमान में जिसको सेट एग्जाम बोलते हैं, ठीक है, वो है। ठीक है, इनमें से कोई भी एग्जाम अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप इन पोस्ट के लिए विद्या संबल योजना के तहत अप्लाई करने के योग्य हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई हैं? ये जो पोस्ट हैं ये हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हैं। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने हैं, अलग अलग नाम देख सकते हैं आप, 1 से लेकर 20 तक मैं बोल रहा हूँ। MCOM में BST, MCOM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MCOM EFM, MA हिंदी, MA संस्कृत, MA इंग्लिश, MA ज्योग्राफी, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA सोशोलॉजी, MA एजुकेशन, MA उर्दू, MA म्यूजिक, MSc केमिस्ट्री, MSc बोटनी, MSc जूलॉजी, MSc मैथ, MBA, LLM, LLB, ये सारी क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई मांगी गई है, रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही हैं। आगे आप देख सकते हैं ये सारी PG डिप्लोमा इन योगा, डिप्लोमा इन हॉस्टल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, फिर है डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन, PG डिप्लोमा फाइन आर्ट, फिर है डिप्लोमा इन एक्टिंग स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डांस, ये सर्टिफिकेट कोर्स है जनजाति कला एवं संस्कृति, PG डिप्लोमा इन DLL, MA आचार्य योगा, MA आचार्य वैदिक साहित्य, MA आचार्य ज्योतिर्विज्ञान शास्त्री वेद, BSc योगा, वैदिक गुरुकुल वेदाध्यापक और विषयाध्यापक, ये PG कोर्स के लिए है सारी की सारी। तो ये आपके सामने पूरी न्यूज है, आप देख सकते हैं। जो 15 जून जो है लास्ट तारीख है, 15 जून तक आपके जो ये रिक्वायरमेंट के जो ऑनलाइन फॉर्म है या ऑफलाइन फॉर्म है वो जो है यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म है ये, आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन का परफॉर्मा है। ठीक है, ये एप्लीकेशन का परफॉर्मा है और ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है कि आपको प्रत्येक जो अभ्यर्थी है उसको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ही अप्लाई करना होगा। एक कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए एक फॉर्म के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप एक कैंडिडेट जो है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको अलग अलग अप्लाई ही करना होगा। ठीक है, और ये आपको फॉर्म सबमिट किसको करना है, किसके पास भेजना है? रजिस्ट्रार GGTU, ये जो यूनिवर्सिटी है इसके रजिस्ट्रार के नाम से फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करनी है। ठीक है, और इसके बाद में
आपकी जो फॉर्म है वो लास्ट डेट के बाद में स्वीकार नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद में स्वीकार नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन जो फॉर्म है, ये फॉर्म इसके साथ दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट वगैरह, वो सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। उनकी फोटोकॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है, मार्कशीट और जितने भी सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, वो साथ में लगाने हैं सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। इनकम्प्लीट फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी सूचना के। आपका अगर फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो वो बिना किसी सूचना के यूनिवर्सिटी के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। और ये आपका जो है परफॉर्मा है फॉर्म का, आप देख सकते हैं पार्ट ए, ये इसमें नेम ऑफ सब्जेक्ट या कोर्स जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा आगे कॉलम में। फिर है एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट, तो इसके अंदर शुरू के अंदर एडवर्टाइज नंबर और डेट दी हुई है शुरू के अंदर, वो आपको यहाँ इस कॉलम में लिखनी है। इसके बाद में कैटेगरी लिखनी है, तो कैटेगरी लिखनी नहीं है, इसके सामने टिक करना आपको, आप जिस कैटेगरी के अंदर है उसके गुड का निशान लगाना है, ठीक है। अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं और फिर अप्लाई कर रहे हैं तो एक नंबर के टिक लगाना है, और अगर आप वैसे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर कार्य कर रहे हैं या और कहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको 2 नंबर लगाना है, और कहीं नहीं पढ़ा रहे तो आपको 3 नंबर लगाना है। फिर है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, आपको बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको कैटेगरी लिखनी है यहाँ पर इस कॉलम के अंदर, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ की आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और यहाँ पर आपके आधार कार्ड का नंबर लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में है ये, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर लिखना है, और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है अपना, ठीक है। और यही यहाँ पर भी ऐसे ही परमानेंट एड्रेस लिख देना है, ठीक है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी, एकेडमिक योग्यता जो आपकी, तो यहाँ पर आपने सेकेंडरी कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी, 10वीं, कौन से साल में उत्तीर्ण की थी, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, क्या कौन सी डिवीजन आई थी, और एक परसेंटेज क्या थे आपके, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 10+2 जो है, कौन सी बोर्ड से उत्तीर्ण की थी, कौन सी साल उत्तीर्ण की थी, क्या क्या सब्जेक्ट थे, कौन सी डिवीजन आपकी आई थी, कितने परसेंट आए थे, ग्रेजुएशन यानी UG जो है, BA BSc BCOM जो भी है, वो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी, किस साल में की थी, क्या क्या सब्जेक्ट थे, कौन सी डिवीजन आई थी, कितने परसेंट आए थे। ये पोस्ट ग्रेजुएशन MA MCOM MSc जो भी आपके, MBA MCA जो भी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी, किस साल में की थी, क्या क्या सब्जेक्ट थे, ठीक है, किस सब्जेक्ट से की थी, क्या 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 नहीं, किस सब्जेक्ट से की थी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से होती है, कौन सी डिवीजन आई थी, क्या परसेंटेज बने थे, ठीक है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन ही है दोनों। अगर मान लो कोई 2 सब्जेक्ट से है तो उसके लिए 2 कॉलम बना रखे हैं। अगर आपने MPhil कर रखी है तो ये डिटेल आपको भरनी है, ठीक है। अगर आपने PhD करनी है तो PhD कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी, कौन सी साल में की थी, और किस सब्जेक्ट से की थी, सब्जेक्ट क्या था, ठीक है। ये परसेंटेज वगैरह ये कॉलम खाली रह जाएंगे, क्योंकि उसमें इस प्रकार से परसेंटेज होते नहीं हैं। अगर PG का कोई डिप्लोमा आपके पास, तो उसकी डिटेल आपको इन कॉलम के अंदर भरनी है। अगर आप नेट स्लेट या JRF उत्तीर्ण है तो आपको इन कॉलमों के अंदर भरनी है, ठीक है। ये है टीचिंग एक्सपीरियंस, आपको टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का है वो बताना है, और साथ में आपको टीचिंग एक्सपीरियंस यानी अनुभव प्रमाण पत्र, अध्ययन अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो साथ में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्था का नाम लिखना है कि कौन सी कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ाए थे, ठीक है, उसका रिकॉर्ड। फिर है पोस्ट हेल्ड, मतलब कौन सी पोस्ट के ऊपर थे, और कब से कब तक, और कौन सी क्लास के अंदर, ठीक है, UG या PG जो भी है, ये आपको यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड दिखाना है एक्सपीरियंस का, ठीक है। कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी कॉलेजों के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ाए हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर भरना है। इसके बाद में आपका ये रिसर्च पेपर में देखो, नेशनल जो है रिसर्च पेपर अगर आपके प्रकाशित तो हुए हैं तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ रिसर्च पेपर। इंटरनेशनल कोई रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हुआ है तो उसका नाम यहाँ पर लिखना है, और कोई बुक्स जो है उसके अंदर प्रकाशित हुआ, उस बुक्स की डिटेल जो है वो यहाँ पे देनी है। और साथ में क्या लगाना है, अटैच लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन विथ SSO नंबर, साथ में जिस बुक्स के अंदर आपका वो पेपर पब्लिश हुआ था उस पेपर पब्लिश की फोटोकॉपी पूरे की, प्लस
पहला जो पृष्ठ है उस बुक्स का, पहला जो पृष्ठ है जिस पर SSO नंबर लिखे हुए हैं, उस पृष्ठ की जो है फोटोकॉपी वो साथ में लगानी है सेल्फ अटेस्टेड करके। इसके बाद देखिए बुक पब्लिकेशन, अगर आपकी कोई किताब पब्लिश्ड हुई है तो उसकी पूरी डिटेल जो आपको इन कॉलम के अंदर बतानी है। इसके बाद में अवार्ड्स, अगर आपको कोई अवार्ड्स मिला है इस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में आपको ये हैं, तो इसमें पूरा लिखना आपको, जैसे ये इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड्स मिला है या नेशनल लेवल का अवार्ड्स मिला है, कौन से जनरल के अंदर मिला है, कौन सी बुक्स के अंदर मिला है, किस रिसर्च पेपर के लिए मिला है, वो पूरा जो है डिटेल यहाँ पे लिखनी है। ये है डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, ठीक है, और यहाँ पर डेट लिखनी है, ये डिटेल इसके अंदर भरनी है। इसके अंदर फिर नीचे यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने स्थान का नाम लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जो है गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ।